रिम रबी सदरी अमरीसानी असला वरक नाट डिस्टर्ब पे डाल दिया फिर बीच में टंग टंग होता रहता है

فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا اعتصموا 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 إعتصم. إعتصم. तसमा या तसिमु ए इसके रूट लेटर्स क्या है अइन साद मीम और ये कौन सा फॉर्म है ये अतसमा फॉर्म 8 ठीक है ना अल्लाह ताला कह रहे हैं व तसिमु और इसका मतलब क्या है कि पकड़ के रखो मजबूती से पकड़ के रखो होल्ड होल्ड फर्मली तो ये और अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं फेल क्या है ये फेलुल अमर इंपरेटिव है कि एंड होल्ड फर्मली बिहबिललाह हबल क्या चीज है रोप को कहते हैं यानी रस्सी को एंड होल्ड एंड होल्ड फर्मली टू द रोप ऑफ अल्लाह और आप मजबूती से पकड़ लें या मजबूती से थाम लें किसको अल्लाह की रस्सी को ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं ये कोई ऑप्शन नहीं है ये एक हुक्म है ठीक है ना आसिया आपकी माइक खुली हुई है और फिर आगे क्या है बेहबल्लाही जमिया जमिया का मतलब है ऑल टूगेदर आप सब के सब इकट्ठे सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें वाला तफर रकू और आपस में फिरके ना बनाए आपस में तफर में ना पड़े एंड डू नॉट बी डिवाइडेड वला तफर रखू एक तो ऑर्डर है करो वा और एक है वला तफर रखू आपस में डिवाइड हो। तो तफर रका या तफर रकु तफर रुकुन तफर रका या तफर रकु तफर रुकुन क्यों कौन सा फॉर्म है फॉर्म फोर और इसके क्या रूट लेटर्स है फरका मतलब फर्क करना तफरीक करना ठीक है वज़ कुरु एंड रिमेंबर और आप याद करें और आप जिक्र करें फिर अगेन एक, एक फैलर आ गया वज़ कुरु एक फेलमर आया फिर एक नहीं आया फिर अब एक फैल उलमर आ गया वज़ कुरु और आप रिमेंबर करें याद करें एंड रिमेंबर और जिक्र करें याद करें न्यामत आलक न्या नी अल्लाह की नेमत अल्लाह की नेमतें जो या द फेवर्स ऑफ अल्लाह द फेवर ऑफ अल्लाह द बाउंटी ऑफ अल्लाह अपॉन यू यू। आप की को याद करें जो आपके ऊपर अल्लाह ने भेजी हैं या दी हैं इज रहे एक वक्त था इज कुम आदा, आदा, वो से आदा आदा अदू इज सिंगुलर आदा इज प्लो ऑफ एनिमीज दुश्मन वेन यू वर एनिमीज जब आप थे दुश्मन थे जब आप थे और इज़ा यानी जब आप इस इज़ा मतलब है जब कुं तुम आप थे आदा यानी दुश्मन अब ये दुश्मनल दुश्मन है लेकिन उर्दू में तो हम नहीं कहते आप दुश्मनों थे या दुश्मनान थे हम यही कहते हैं आप दुश्मन थे फलफा देन निकुम ही मेड हीस

अलिफुन सॉरी आइन नहीं अच्छा मेरे मुंह से आइन निकल आता है आप लोग प्लीज समझ लिया करें कभी कभी मैं ओवर कर देती हूँ अल्लाफा यू अलिफु तालीफुन इसमें एन नहीं है ये हमजा है ठीक है अल्लाफा यू अलिफु तालीफुन यानी फॉर्म टू फस बह तुम बिन्यामत ही इखवाना फस बह तुम देन यू बिकेम यू ऑल बिकेम बिन्यामत बाय हिज फेवर विद हिज फेवर इखवाना

इस बहुन ठीक है फॉर्म फोर सो यू बिकेम बाय हिज फेवर ब्रदर्स और आप हो गए अल्लाह की नमत से अल्लाह के फजल से भाई भाई हो गए वकुन तुम यानी दुश्मन थे और भाई भाई हो गए वकुन तुम आला शफा हुफरत मिनन्नार वकुन तुम एंड यू वर आला अपॉन या ऑन शफा शफा का मतलब एज बिल्कुल कोने पे बिल्कुल आ, आ, किनारे पे कह लें शफा Uh, हुफरा दिन हुफरा दिन का क्या मतलब है हुफरा मतलब कोई खाई हो खाई गड़ा uh, पिट कह ले uh, तो इंग्लिश में आप कहेंगे एंड यू वर ऑन द एज या ऑन द ब्रिंक ऑफ द पिट मिनार ऑफ द फायर यू वर ऑन द एज या ऑन द ब्रिंक ऑफ द पिट ऑफ द फायर और आप थे किनारे पर बिल्कुल एज पर गढ़े के या खाई के लेकिन वो खाई नहीं वो गढ़ा है क्योंकि उस गढ़े के अंदर क्या चीज है मिना नार आग के यानी दो लोग आग के गढ़े के ऊपर ही खड़े हुए थे तैयार थे उसमें गिरने के लिए अल्लाह क्या कह रहे हैं फ़ाकु मिना कुम नजाजून

ना पढ़े आप फरीक ना बनाए किसी के माइक खुल लिए जरा प्लीज बंद कर लें ए तरसीम क्या चीज़ है आपको बताए अमर है इट इज अ कमांड फ्रॉम अल्लाह इस वर्ड को हमने लास्ट थर्सडे को भी पढ़ा था या, याद है लास्ट थर्सडे को भी पढ़ा था और यही था ए तरसीम का वर्ड था तो इसमें इस वो आया नंबर कौन सी थी आया नंबर वन जीरो वन में थी उसमें आप जाके देख लें उसमें भी लिखा हुआ है उसमें था होल्ड फैमिली टू अल्लाह होल्ड फैमिली टू अल्लाह और इसमें क्या इस आयत में लिखा है होल्ड फैमिली टू द रोप बेहब्ला दोनों में क्या फर्क है या दोनों क्या एक ही चीज़ है तो देखने के लिए कि दोनों का मतलब एक्चुअली सेम एंड में जाके सेम हो जाता है और हमारी जो वेलबींग well है हमारी जो खुशहाली है हमारी जो हैप्पीनेस है हमारी जो खुशियां हैं इस दुनिया में भी आखरत में भी दोनों चीजों से बनती है अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को भी मजबूती से पकड़ लो और इसके अलावा हमारा कोई बचाव नहीं है दर इज नो सेल्वेशन जब तक हम अल्लाह को मजबूती से ना पकड़े और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से ना पकड़े ये हमारे दो मीन दो मीन्स हैं दो सराय दो जराए हैं किस चीज के लिए हमारी हिफाजत के लिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए अच्छा अब थोड़ा सा दोनों में क्या फर्क है वो देख लेते हैं होल्डिंग फास्ट टू हिज रोप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला हमें इससे प्रोटेक्ट करते हैं अगर हम उसकी रस्सी को पकड़ के रखें अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे फ्रॉम मिस गाइडेंस ठीक है ना गोइंग एस्ट्रे से बचाते हैं मिसाइडेंस से बचाते हैं गुमराह होने से भटकने से अल्लाह बचाते हैं जब हम कहते हैं होल्डिंग फास्ट टू हिम उसमें क्या है अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर किस्म की हलाकत से फ्रॉम एनी डूंग या डिस्ट्रक्शन ठीक है तो जो अल्लाह के रास्ते पे चल रहा है वो इस तरह है कि वो किसी एक भी रास्ते किसी भी रास्ते पे चल रहा उसी तरह है. हम कहीं भी जा रहे हैं यहाँ से लेके अगर हम कहते हैं अभी हमने सिर्फ सैनफ्रांसिस्को तक भी जाना है तो हमारे रास्ते में हमें दो चीज़ें तो चाहिए ना एक तो हमें मैप चाहिए हमें गाइडेंस चाहिए कि हम सही रास्ते पे है कि नहीं दूसरी चीज हमें सेफ्टी चाहिए हमारी गाड़ी ठीक है कि नहीं हम सब गाड़ी की हर चीज़ ठीक है कि नहीं रास्ता सही है कि नहीं।, नहीं मतलब कि उसमें कोई रास्ते में आ, आ, कोई बड़ी ब्लॉकेट्स तो नहीं आ रही है तो इससे दो चीजें हमें जरूरी एक गाइडेंस चाहिए ऑन द रोड एक हमें चाहिए सेफ्टी वाइल्ड ट्रैवलिंग ये दो चीजें इसके बगैर हम अपनी इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते ठीक है क्योंकि हमें अगर समझे रास्ते में कोई गड़बड़ हमें वापस आना पड़ेगा अगर गाइडेंस ही गलत है और हम कहीं गलत चले गए तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे तो इसीलिए जब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखते हैं होल्डिंग फास्ट टू द रोप ऑफ अल्लाह वो हमें गाइडेंस पे चलाएगी इट विल लीड अस टू द पाथ ऑफ गाइडेंस और हमें प्रोटेक्ट करेगी रास्ते भटकने से ठीक है और हो होल्डिंग फास्ट टू अल्लाह हमको स्ट्रेंथ देगी हमको हिम्मत देगी हमको ताकत देगी और वो इक्विपमेंट हमें ऐसी देगी हमारे अंदर जो हमें सेफ रखेगी हमें प्रोटेक्ट करेगी एनी प्रॉब्लम से जो कि रास्ते में आए हमारी जर्नी के इसलिए जो सलफ थे ना जो मतलब अर्ली जनरेशन के लोग थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जो थे तो उन्होंने उस उसके भी थे और उसके बाद के भी ठीक है ना जो उनके भी थे साथ वाले उनके जो उनको सलफ कहते हैं उनके बाद जो आते हैं फिर उनको खलफ कहते हैं तो वो जो सलफ थे वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अल्लाह की रस्सी को और अल्लाह को मजबूती से पकड़ने के लिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है आप जरा अगर जाके डालेंगी ना उसपे गूगल पे डालेंगी कि व्हाट इज व्हाट इज द रोप ऑफ अल्लाह एंड बाय होल्डिंग फास्ट टू अल्लाह उसमें बहुत सारा आएगा एंड सब कुछ से पता चलेगा कि ऑल ऑफ इट रेफर्स टू बेसिकली द सेम आइडिया आइडिया सेम है लेकिन यही दो चीजें कन्वे होती हैं इबन मैं आपको तीन चार बता देती हूँ जैसे कि जो मुझे अच्छे लगे अच्छे तो सभी थे लेकिन ये जरा क्लियर क्लियर था इबन अब्बास रद्दी अल्लाह फरमाते हैं कि इसका मतलब है टू द रिलीजन ऑफ अल्लाह दोनों चीजें मिला के इट मीन्सियरिंग टू द रिलीजन ऑफ अल्लाह इबन मसूद कहते हैं इट मीन्स द जमा जब रोप ऑफ अल्लाह कहते हैं उसका जमा यानी द कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम द बॉडी ऑफ मुस्लिम कहते हैं ना जमा तो वो कहते हैं वो वो ये कहते हैं कि यू शुड एडियर टू द जमा बिकॉज इट इज द रोप ऑफ अल्लाह और अल्लाह ने एंजॉइन किया कि हम इसको फास्ट करें इसका मतलब क्या है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ ना पड़े एग्जैक्टली exactly मीनिंग तो वही है सब इस रस्ती को मजबूती से पकड़ के रखें यही यही रास्ता है और फिर आप देखें कि कुछ चीजें हमें आ, आ, हमें जब हम जमा में होते हैं कुछ चीजें हमको नहीं भी पसंद आती हैं लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ते कह रहे हैं कि अगर हम स्कैटर्ड होंगे तो हमें और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जब हम जमा में एक साथ कहते हैं ना जब परिंदे भी जब उड़ते हैं तो एक साथ उड़ते हैं उनके लिए मतलब सेफ्टी है गाइडेंस है फॉर्मेशन उनकी आप देखें तो हम लोग तो सब एक दूसरे से भाग रहे होते हैं अच्छा कुछ स्कॉलर्स ने और क्या जिसमें मुजाहिद अता है वो सब कहते हैं इट मीनस

अल्लाह से अपने आप को जोड़ के रखो अल्लाह के मैसेज से जोड़ के रखो अल्लाह की रस्सी से जोड़ के रखो अल्लाह से जो वादा किया उससे अपने आप को जोड़ के रखो ये सब चीजें एक ही चीज है अब अल्लाह ताला ने इसमें हबल का लफ्ज क्यों यूज किया जबकि दोनों एक ही जैसे हैं वो तो इसलिए यहाँ तफर रकू की बात आ रही है वाला तफर रकू तो अल्लाह ताला कहते हैं कि एक ये रस्सी है ना ये रस्सी को अगर ऐसे सीधा करो तो उसका मतलब ये कि एक एक तरफ हम हमने एक तरफ अल्लाह है ठीक है ना हम अल्लाह के रास्ते पे सीधे 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 ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं इस रस्सी का एक कोना हमारी तरफ है एक कोना अल्लाह की तरफ है तो इट इज दैथ ऑफ इस्लाम जो अल्लाह का रास्ता है जो अल्लाह ने हमें इस्लाम का रास्ता बताया ये वो है दूसरी चीज जो है वो कहते हैं कि ये एक बॉन्ड है ये एक रस्सी है ये रस्सी तो अल्लाह ने नहीं, नहीं कहा ऐसी है या ऐसी है एक रस्सी ऐसी भी है जो तमाम मुसलमानों को इस तरह ज्वाइन करके रखती है इट इज अ बॉन्ड विच इज ज्वाइनिंग ऑल बिलीवर्स टुगेदर यानी जमा यूनिटी तो डिस यूनिटी नहीं होनी चाहिए वन उम्मा होना चाहिए इस्लाम जो मुसलमान है उनको एक यानी भाई भाई होना चाहिए भाई बहन और बहन बहन और भाई भाई, भाई वटेवर तो दो किस्म के बॉन्ड्स हैं एक बिटवीन अस एंड अल्लाह एक बिटवीन अस एंड द मुस्लिम्स इस तरह से हम जुड़ के रहते हैं इसीलिए इसको अगर हम अल्लाह की रस्सी को टाइट करके पकड़ लें तो उसका मतलब क्या होगा हम सब मिल अल्लाह के रास्ते में भी चल रहे होंगे और आपस में तफरका भी नहीं हो रहा होगा और उसमें हमारा क्या होगा हमारे इट विल ऑलवेज भी हमारे लिए कुछ चीजें इतनी इम्पोर्टेंस होगी कि हम लोग रिलीजन के अलावा बाकी चीज़ों को कम इम्पोर्टेंस देंगे एंड इट शुड ऑलवेज भी ये रिलीजन दो है जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कुछ भी कर रहे हो खा रहे हैं पी रहे हैं उठ रहे हैं बैठ रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं रिलीजन जो है वो हमारा इट शुड ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ आर कंसर्न जो भी कर रहे हैं हलाल है कि नहीं है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अल्लाह ने मना तो नहीं किया और कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हम लोग को स्ट्राइव करना चाहिए ये जिहादी कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे इसको इस्टैब्लिश करें इस रिलीजन को इस्टैब्लिश करें और अपने अपने अंदर भी करें अपने फैमिली में भी करें और अपनी सोसाइटी में करें और इस तरह ये कि सब लोग आपस में कोऑपरेट करके करेंगे तमाम मुस्लिम की जमा जो है वो अगर आपस में कोऑपरेट करेगी तो इसको इस्टब्लिश करना बहुत आसान हो जाएगा अगर मुसलमान आपस में तफरक में पढ़ जाए जिस तरह का पढ़ चुके हैं तो फिर क्या होता है कि हम फंडामेंटल टीचिंग्स जो है उसको भूल जाते हैं और वो हमारे लिए सेकेंडरी इंपॉर्टेंस हो जाती है तो अल्लाह ताला रिमाइंड कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थी कि अल्लाह ताला, ताला ने उन पर ये एहसान किया था उन पर ये फेवर किया था तो अल्लाह ताला याद दिलाने वज़कुरू और याद करें नमत अल्लाह अल्ला की नहमत को अल्लाम आपके ऊपर इसकु तुम आदा यानी उस वक्त आप लोग दुश्मन थे एक दूसरे के फल्ला फ बीना कुलबे तो अल्लाह तला ने आपके दिलों में उलफट डाल दी फॉन्डनेस डाल दी फहत ही अखवाना ये वही आयत कंटिन्यू हो रही है तो फिर क्या हो गया कि आप लोग आपस में भाई भाई हो गए ये क्या हुआ था आप सबको मालूम है कि भाईचारा क्या चीज थी अगर आप लोगों ने सीरा पढ़ी है तो आप सबको मालूम है कि नबी सला जब मक्के से मदीना हिजरत करके गए तो वहां पर उन्होंने एक भाईचारा मुआखात का एक, एक ब्लड शेड होता था खून खराबा होता रहता था यहां तक कि पूरी अरेबियन नेशन जो है ऐसे लगता था कि वो अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब भी अल्लाह कह रहे हैं कि आप फायर के उस आग के पिट के किनारे पे खड़े हुए थे आप लोग या अल्लाह ने उसको रेफर करके कह रहे हैं और फिर अल्लाह कह रहे हैं कि हमने आपके फेवर किया ये फेवर किया कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स है अल्लाह का फेवर है अल्लाह की बाउंटीज़ है कि उस फायर से अल्लाह ने आपको निकाल लिया अल्लाह सेव्ड यू फ्रॉम दैट फायर और सबसे बढ़ के आपको पता है कि मदीने में उस वक्त किस किस का हर तरफ दुश्मनीयां थी बहुत ज्यादा लेकिन कोई दुश्मनी भी जो اوس और खजरज इन दो के दरमियान जो थी जो कि दो अरब ट्राइब्स थे यसरिब में उस वक्त इसका नाम मदीना नहीं था यसरिब था बाद में उसका नाम मदीना पड़ गया तो यसरिब में उस वक्त ये दो थे औस और खजरज ये दो कबाइल थे दो कबीले थे दो ट्राइब्स थे अरब ट्राइब्स थे इनकी इतनी सख्त दुश्मनी थी आप तरह सीरा पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा उनके साथ कुछ जूस जो थे इर्गिद मदीना में और मदीना के इर्गिद वो हर वक्त कोशिश करते थे कि औस और खजरज में भी आपस में गड़बड़े बढ़ती रहे परपेचुएट वो करते रहे इस हॉस्टिलिटी को और दोनों

उनके हार्ट्स आपस में यूनाइट हो गए और ये सिर्फ अल्लाह ही की मदद से अल्लाह ही के करम से हुआ कि वो लोग बिल्कुल भाइयों की तरह हो गए बल्कि यहाँ तक कि जब ये लोग अनसार बन गए अनसार कौन थे जिन्होंने मदद किया न सरासुरू ठीक है ना जो मदद करने वाले थे किन लोगों के जो महाजिर आए थे जो महाजरीन थे उनको इन्होंने मदद किया जो मक्के से आए थे और ये सब के सब आपस में ऐसे लगता था जैसे एक फैमिली है अनसार और महाजरीन एक फैमिली बन गए औसत खजरत ने एक फैमिली बन के जैसे अनसार, अनसार बन के महाजरीन की मदद की तो वो खुद अपने लिए कंक्लूड कर सकते थे उनको खुद पता चल रहा था कि हमारी सेलिवेशन किस में है हमारा बचाव किस में है इस रिलीजन को फर्मली पकड़ने में अल्लाह को और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में या हम वापस चले जाएं अपने फॉर्मर स्टेट पे जिसमें हम आग के ऊपर खड़े हुए थे उनको क्लियरली पता चल रहा था कि जो उनके ट्रू वेल विशर्स हैं तो वो कौन है वो ये इस्लाम वाले हैं या जूस हैं या मुश्रक हैं या मुनाफिक हैं? जो उनको पुराने स्टेट में जाने के लिए धक्का दे रहे थे उनको कन्विंस कर रहे थे ठीक है ना अल्लाह ताला इन क्लियर कहते हैं ना कि मैंने क्लियरली बता दिया भई अल्ला को के अल्लाह ने उनके लिए क्लियर क्लियर बता दिया कि देखो तुम्हारे लिए बेहतर है कि वो बेहतर है जो हिस्टोरिकल ग्रजेस होती हैं हर किस्म की होती हैं किलिंग्स होती हैं पर्सनल एम्बिशन होती हैं रेशियल टाइज होती हैं कुछ भी होती हैं अगर एक दफा आपस में आप एक दूसरे को भाई समझ लेते हैं भाई बहन समझ लेते हैं तो वो सब कुछ कब होता है वो सिर्फ अल्लाह के और इस्लाम के बैनर के अंदर अंडर ही होता है वो ऐसा नहीं होता कि हम किसी के साथ इतने क्लोज हो जाएं वो भी जाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई दूरी रहती है आया नंबर वन जीरो फोर। अब ताला कह रहे हैं आपको याद है इलाम कौन सा है अल जो बीच में आता है बीच में इलाम अमर होता है यानी ये तकीद है ये आपको अल्लाह कह रहे हैं कि ये करना जरूरी है ये हुक्म है अमर है लामुल तकीद नहीं अमर है मैंने तोकीद का उसका मतलब अल्लाह तकीद कर रहे हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला इसमें आपकी चॉइस नहीं वल तक एंड होना चाहिए देर शुड बी देर मस्ट बी मिन कुम अमंग यू आपके दरमियान एक ऐसी जमात होनी चाहिए उम्मा एक ऐसी जमात सो so, वल तक मिन को उम्मत यानी एंड देर शुड बी अमंग यू अ ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ पीपल या एक जमात और चाहिए के चाहिए कि आप में से एक जमात या कुछ लोग ऐसे हों पुकारते हैं जो इनवाइट करते हैं जो दावत देते हैं भलाई की तरफ भलाई की तरफ दे इनवाइट टूवर्ड्स गुड दे इनवाइट टूवर्ड्स गुड वो पुकारते हैं वो दावत देते हैं गुड की तरफ वैया वैया मरूना और वो या मरूना आपने पहले भी पढ़ा था पिछली दफा भी या मरूना और वो हुक्म देते हैं दे एन् वो कमांड करते हैं वो सजेस्ट करते हैं वट इज बिल मारूफ इज गुड वट इज राइट इज नोन टू बी गुड मारूफ देखें जो चीज़ उर्फ जो चीज कस्टम में सबको मालूम है कि ये चीज अच्छी है ठीक है ना कुछ चीजें होती है जो हम समझ रहे होते हैं अच्छी लेकिन वो अच्छी नहीं होती लेकिन ये जो है ये वो चीजें कि जो आपको पता है जो कि नोन टू बी गुड है वो हुक्म देते हैं वैया मुरुना और वो हुक्म देते हैं बिल मारूफ यानी नेकी का भलाई का वैन हो न अनिल मुनकर और वो एंड दे फॉर बिड फ्रॉम द रोंग दे फॉर बिड फ्रॉम द रोंग या फ्रॉम ईवल या डिसबिलीव और वो मना करते हैं वो रोकते हैं वो रोकते हैं बुराई से ऐसे यानी नहा यन्हा यन्हा ना कहे नहा यन्हा नहयुन फॉर्म फोर नहा यन्हा नहयुन यानी के वो रोकते हैं किसी चीज को नहीं अनिल मुनकर है ना पहले भी हम पढ़े थे अभी भी है वह उलाइका हुमल मुफले हूँ एंड दोस उलाइका हुमल मुफले हूँ दे आर द सक्सेसफुल वंस दे आर द वंस वर अल्टीमेटली सक्सेसफुल और वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं मुफले हूँ फलाह पाने वाले अब अल्लाह ताला इसमें फरमा आया नंबर वन जीरो फोर में इट इज क्रूशल वर्ल्ड तक उनका मतलब है इट इज क्रूशल इट इज इम्पेटिव ये आपको मस्ट है आपने करना ही करना ये हुए अल्लाह का कि देर ग्रुप मंग यू के आप में ऐसे लोगों जो सबको बुलाए किसकी तरफ टू गुड जो एन्जॉइन करें व्हाट इज राइट और जो फॉरबिड करें व्हाट इज इवल और वही है जो सक्सेसफुल हैं अल्लाह ताला ने अपने मैसेन्जर्स किस लिए भेजे अल्लाह ताला ने मैसेज किस लिए भेजा हर जो भी मैसेज आया जो भी मैसेजर आया उसमें यही था अच्छे काम करो भलाई करो खैर करो और शर से और बुराई से रोको और ये हमारे दीन का एक लाजमी हिस्सा इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अर दीन वसल्लम जो थे उनके जुबान से अल्लाह ताला ने हर वो चीज कहलवाई जो गुड थी और अल्लाह ताला ने हर चीज उनकी जुबान से रोकी जो के बैठ थी ये अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए ऐसा बना के भेजा और अल्लाह ताला ने हर चीज जो क्लीन थी साफ सुथरी पाकिजा थी वो अल्लाह ताला ने उनके उ, उनके ऊपर डाला कि उन्होंने खुद भी कभी खराब चीज नहीं खाई ना किया और और दूसरों को भी उन्होंने अच्छी चीज खाने के लिए कहा और हर अनकलीन और हार्मफुल थिंग से लोगों को प्रोहिबिट किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से भी अपने किरदार से भी अपने अप्रूवल से भी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिया कि उन्होंने हमें परफेक्ट डेमोंस्ट्रेशन कुरान की करके दिखाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है अबू हदी अल्लाह तुम फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया वेली आई हैव ओनली बीन सेंट टू परफेक्ट राइचियस कैरेक्टर यानी मुझे एहसन जो है वो उसका अखलाक के लिए मुझे तकमील करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि मैं एहसन अख, बेहतरीन अखलाक की, की तकमील करके बता राइचियस कैरेक्टर मतलब खुद वो बेहतरीन अखलाक पे थे बेहतरीन किरदार पे थे बेहतरीन कैरेक्टर uh, पे थे और इमाम मालिक ने भी कहा है कि uh, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाट टू परफेक्ट गुड कैरेक्टर अब वो जो पहली हदीस थी वो मुस्नाद अहमद में है और ये मालिक की है अलमुवत्ता में है दोनों में थोड़ा सा दिखे उसमें परफेक्ट राइचियस कैरेक्टर है और इसमें परफेक्ट गुड कैरेक्टर है हो सकता है सेम हदीस हो दोनों ने लिखते में थोड़ा सा एक लफ्ज का फर्क आ गया हो तो अल्लाह ने असाइन किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या सिमिलर कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी उसी किस्म की चीज़ें हमारी उम्मत नबी की उम्मत को भी वही चीज़ें अता फरमाई हैं जाहिर है कि उनकी परफेक्शन थी हमारी वी ट्राई टू रीच अ लेवल विच इज़ क्लोज टू परफेक्ट तो मुस्लिम कम्युनिटी के पास हमारे पास मेरे पास और आपके पास एक मिशन है वो मिशन ये है कि हम अल्लाह की लॉ को अल्लाह के अहकाम को अल्लाह के रूल्स को हम सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट करें और इस तरह क्या होगा कि हम गुडनेस को फैलाएंगे अच्छाई को फैलाएंगे सोसाइटी में और बुराई के ऊपर समझ लेके गालिब होंगे और ये कोई आसान नहीं है ये कोई आसान नहीं है कि हम किसी को कहें कि ये ये काम करो और ये काम ना करो क्योंकि देखें हर एक हर बंदे की डिफरेंट डिजायर्स हैं हर बंदे की डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं किसी किसी का प्राइड भी है कोई या, जिस तरह उस दिन पूछ रही थी नौरीन कि ये जहालत है या ये तकबर है इज इट एरोगेंस इज इट इग्नोरेंस और इज इट एरोगेंस जो उनको रोक रही है या आप उसको क्या नाम देंगी मुझे पूछ रही थी उस दिन नौरीन ने क्लास में लास्ट क्लास में कि उसको हम क्या नाम देंगे कबर भी हो सकता है जहालत भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है लेकिन हम किसी का भी अगर वो किसी पर्टिकुलर के बारे में पूछ रही है तो हम उनको कोई लेबल नहीं दे सकते ठीक है ना हो सकता है किसी में से भी कोई भी चीज हो अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम भी तो ऐसे हैं कुछ लोग टायरेंट्स भी होते हैं मतलब जालिम होते हैं वो कहते हैं कि हमने अपनी अथॉरिटी सब पे चलानी है लेकिन हमने किसी और की अथॉरिटी में नहीं आना है अगर मैंने किसी और की एडवाइस सुन ली कि ये करो और ये ना करो इट इज बिलो मई डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट बहुत सारे लोग हैं किसी को भी बोले तो मेरे ऊपर वो मत चलो मेरी मर्जी है जो मैं करूँ और ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करके खुश होते हैं उनको ये नहीं दिल होता कि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाए एज ए नोबल पर्सन कहता है जो मेरा दिल चाह रहा है मैं वो करूंगा तो वेदर इजी और डिफिकल्ट ये एक कलेक्टिव ऑब्लिगेशन है ये अल्लाह ने कह दिया आपके ऊपर क्रूशल है आपने करना ही है फर्द किफाया है, समझ ले आप ठीक है ना अपॉन द मुस्लिम उम्मा के वो भलाई की तरफ लोगों को बुलाएं और बुराई से लोगों को बचाएं और इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक जमात ऐसी हो एक जमात ऐसी हो कि जो ये काम करे दावा का काम करे रेगुलर बेसिस पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेकिन दावा के काम में बहुत ज्यादा एहतियात बढ़ती है कि नबी सला के बताए हुए तरीके से हो ऐसी जमात हो जो नबी सल के सुन्नत के तरीके पर दावा करे मतलब उसी के ऊपर बेस करके वो दावा करे और फिर दूसरी बात ये कि इन ग्रुप्स को जो दावा करने वाले हैं इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इनकी ड्यूटी नहीं कि पूरी दुनिया में हर बंदे को कोने कोने में जाके ये मैसेज पहुंचाएं ये तो किसी कस, प्रॉफिट की जिम्मेदारी भी नहीं थी क्या नबीन ने पूरी दुनिया में जाके फैलाया नहीं खुद का नहीं फैला सके एक जिंदगी होती है इंसान की एक उम्र होती है क्या तमाम प्रॉफिट्स ने हर जगह जा जाके हर जगह कोशिश की नहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग गए तो वट इज़ रिक्वायर्ड इज कि जहाँ तक आप आजकल तो देखें आसान हो गया हर चीज़ कम्युनिकेशन ईजी हो गई है कहाँ कहाँ पे आइलैंड में भी चले जाएँ जंगल में भी चले जाएँ सहरा बयाबान में भी चले जाएँ लोगों के पास कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है नहीं भी हो तो भी जहाँ हम अवेलेबल uh, है कि हम वहां पहुंच सके हम रीच कर सकें और जो लोग ढूंढ रहे हैं देखे ना अगर कोई तलाशी नहीं कर रहा है हम वहां जाए उनको बोलो क्या तुम कौन हो क्यों आयो हमारे आईलैंड पे क्यों आयो हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया था तो दोनों तरफ से म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने नेग्लिजेंट नहीं होना है अपने मैसेज को डिलीवर करने में क्योंकि यह हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने वहां वहां तक नहीं जाना है जहां तक हम नहीं जा सकते हमसे पूछ नहीं होगी उसकी हमसे पूछ नहीं होगी लेकिन जहां तक इजीली हम जा सकते हैं जो एक्सेसिबल है उस पर जाना चाहिए और फिर उनपे भी है कि जब उनके पास एक मैसेज आई है है, या आया है, तो वो जो सीकर है वो जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है उसके ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे अबू सईद खुदरी रद्दी तन रिपोर्ट करते हैं कि वसल्लम ने फरमाया अब देखें या आ रही है कि अब आप आपको मैं बता रही हूं कि ये तो एक जमात है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि क्या फरमाया अमंग यू सीज आप में से अब सब आप सब सुन चुके हैं हर जगह रिपीट होती रहती है जब आप कोई बुराई देखें या कोई ईवल या शर देखें लेट हिम चेंज इट विद हिस हैंड उसको अपने हाथ से रोके हाथ से रोके का मतलब नहीं है घोसा दे दो मार दो थप्पड़ लगा दो और रोक दो उसका मतलब ये आप वहां पर मौजूद है आप उनको रोक सकते हैं आप घर पे मना कर सकते हैं आप बाहर जाके मना कर सकते हैं यानी कि उनको रोके अरे अच्छा कुछ समझे दो लोग लड़ रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही दो लोग लड़ रहे हैं आप देख रहे हैं आप क्या करेंगे उनसे क्या लड़ने दो आप लड़ने देंगे वो एक दूसरे पे गुत्थम गुत्था हुए में आप उनको हाथ से रोकेंगे ना तो हाथ से भी रोका जा सकता है आप क्या करेंगे वहां से सिक्योरिटी वाले को बुला के लाएंगे वो भी हाथ से रोकना ही है कि आप कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने के लिए अगर दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं तो आप कहेंगे अच्छा वहां समझे खड़े में कहीं बार अच्छा चले कोई बात नहीं अभी छोड़ दें हो गया भाई उनको कोशिश करेंगे तो वो भी आपका हैंड से रोकने वाला हो गया इफ ही इज अनएबल टू डू से अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट आप अपनी जुबान से तो कह देना उनको आप उनको देन डू इट विद योर टंग अगर वो भी अनेबल है कि मुंह से बोलना भी उस वक्त कोई क्यामत आ जाएगी तो फिर कम अज कम दिल में उस चीज को बुरा माने और वहां से हट जाए और ये हटने का तो नहीं लिखा देन विद लिखाज हार्ट वो करे और फिर दिस इज वीकेस्ट लेवल ऑफ ईमान ये ईमान का सबसे कम तर कमजोर हिस्सा है ये ये सही मुस्लिम में है तो ऑल दो फर्द नहीं है फर्द किफाया मैंने आपको बताया अभी बताया लेकिन फर्द इनको हम समझ लें क्योंकि नबी सलत ने जब कहा है तो यहाँ पर उन्होंने ग्रुप कर नहीं कहा उन्होंने हम पे ये जिम्मेदारी डाली है कि हम जहाँ भी देखें ईवल है उसको अपने हाथ से रोकने या अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करें वरना उसको दिल से बुरा जाने और उसके लिए दुआई कर लें कम अज कम तो हमें वी शुड ट्राई बेस्ट टू एंजॉय द गुड टू फॉर बेट द ईवल और जो कुछ हमारी अपनी अथॉरिटी के अंडर है हमारे बच्चे हैं बच्चों के बच्चे हैं जो भी हैं तो उनको हम कहें और जो जो हमारे क्लोज हैं हमारी फैमिली हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि हम कहेंगे तो वो हमारी बात सुन लेंगे शायद आई नो अगेन इट्स नॉट ईजी क्या आप कहती है ना कि फ्रेंड है और फैमिली है बाज दफा सबसे मुश्किल काम फ्रेंड को समझाना और फैमिली को समझाना ही होता है कोई चीज वो अन इस्लामिक कर तो कितनी दफा आप लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि भाई अगर किसी ने हमें इस चीज पे दावत दी और हमें पता है कि ये बिदत है हम कैसे करें हम जाए या नहीं जाए हम उनको क्या बोले कई दफा ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसीलिए हमारी सबकी एक्सपीरियंसेस हैं और हमें उन एक्सपीरियंस की बेसिस पे हमें जरूरी है कि हम अपनी हिकमत को अपने विजडम को यूज करें जनरल प्रिंसिपल इसका क्या? जनरल प्रिंसिपल इसका यह है कि आप वो काम करें जिससे आपको पता है कि ज्यादा बेनिफिट होगी और कम हार्म होगा ठीक है ना किसी भी मेडिसिन किसी भी दवाई की तरह जब आप दवाई लेते हैं आप सारा पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है साइड इफेक्ट क्या है फला दवाई के साथ नहीं खाना इससे ज़्यादा नहीं खाना ओवर डोज से क्या होगा ये सब चीज़ें आफ्टर इफेक्ट साइड इफेक्ट सब चीज़ों को जिस तरह पढ़ के करते हैं जब आप किसी के सामने हैं किसी महफिल में है किसी से बात कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ये सब चीज़ें अपने जहन में रख लें इसमें मैं शॉर्टकट में ये है कि शॉर्टकट तो नहीं है मगर थोड़ा सा ये है कि मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस है जो मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आप अपने लिए लिख लें अगर उसमें सिर्फ बेनिफिट है आप किसी को कोई बात कह रहे हैं ओनली बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड तो वो तो आप करें देन वी डू इट डू इट बस ओनली बेनिफिट डू इट इफ देर इज ओनली हार्म आप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीव इट ना करें करें ना करें ओनली बेनिफिट जरूर करें ओनली हार्म बिल्कुल ना करें अब तो मैंने बिल्कुल कलर हर्गिज ना करें मैंने कह दिया ठीक है ना इफ देर इज मोर बेनिफिट देन हार्म अगर दोनों को आप वे कर रहे हैं दोनों को वजन करें इसमें बेनिफिट ये होगा लेकिन ये हार्म भी हो सकता है ये बेनिफिट हो सकता है हार्म भी हो सकता है अगर मोर बेनिफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चल यहाँ पर छह लोग बैठे हैं पांच लोग मान जाएंगे एक जो है वो तो गड़बड़ कर सकती है तो फिर भी कोशिश ये करें कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हार्म नहीं होगा और थोड़ा सा हार्म होगा तो डू इट इफ देर इज मोर हार्म एक्सपेक्टेड देन बेनिफिट डोंट डू इट जस्टली बेट तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हो जाती है कि जहां पर बेनिफिट अगर लूज हो रहा है बेनिफिट अगर लूज हो रहा है और वो बेनिफिट गेन होने से ज्यादा है द बेनिफिट लॉस्ट

तो वो फिर आपको ये है कि इफ बेनिफिट इज लॉ या हार्म ज्यादा हो सकता है जो हार्म को अवॉइड करने की कोशिश करें उससे ज्यादा तो फिर आप बिल्कुल भी ना करें इफ यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट यू आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्मिस नॉट पार्ट ऑफ व्हाट अल्लाह ऑर्डर अल्लाह ने हुक्म दिया लेकिन ऐसा नहीं दिया क्योंकि फिर इट बिकम्स हराम एक तरह से हराम हो जाता है क्योंकि उसका कुछ स्कॉलर कहते हैं हराम है कि या इट इज हराम बिकॉज उसका जो नेट हार्म है इट इज ग्रेटर देन नेट बेनिफिट आप इस तरह भी कर सकते हैं नेट हार्म वर्सेस नेट बेनिफिट इक्वल टू ग्रेटर देन देन लेस पहले मैंने अपने नोट से इस, इस तरह का लिखा था इक्वल है लेस देन है मोर देन है ग्रेटर देन है लेस देन है जी सब इस तरह साइंस लगा के तो वो मुझे याद है मुझे अभी वो नोट्स नहीं मिले वो बहुत अच्छा था बहुत कंसाइज uh, था बहुत प्रिसाइज था नेक्स्ट आयत है आया नंबर वन जीरोनाथ ये अभी वही चीज़ आ रही तला कह रहे हैं तफर रखू आप तफरीक में ना पड़े आप फिर में ना पड़ जाए वला तकोनु और नहीं आप बन जाए एंड डू नॉट यू बिकम क्या चीज ना बन जाए कल उन लोगों की तरह तफर

यानी उन्होंने इख्तलाफ किया ये फॉर्म एट है और वो फॉर्म फाइव है मैं खाली अभी अभी मैंने बताया भी था आपको तो ये ये दोनों तफर को ना करें औ, 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 और और आपस में इख्तलाफ ना करें ठीक है ना जिन्होंने पहले किया था आफ्टर वॉट केम टू देम

और वही लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है अब किसकी रेफरेंस है अल्लाह ताला तो किसके मुतक कह रहे हैं उन लोगों की जिनको क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचिंग ऑफ द ट्रू रिलीजन आ गई थी लेकिन उन्होंने उन्होंने कुछ चीजों को स्टिक किया और कुछ चीजों को अबेंडन कर दिया कुछ फंडामेंटल्स थी उनको उन्होंने अबेंडन कर दिया और क्या हो गया वो आपस में फिरके बन गए कल लजीना अल्लाह कहते हैं उन लोगों की तरह ना बनो जिन्होंने फिरके बना लिए और जिन्होंने इख्तलाफ कर लिया हमने अभी अल्लाह ताला ने मैं क्या बताया था जमा जमा यानी एक साथ एक मुस्लिम ब्रदरहुड बना के रखो एक साथ एक ग्रुप में रहो और अब ये क्या मैं अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने सेक्ट्स बना ली डिफरेंट सेक्ट्स बना लिए किस चीज के लिए इनसिग्निफिकेंट छोटी छोटी सब्सिडियरी क्वेश्चन पे बेस करके अपने आप को उन्होंने फंडामेंटल से दूर कर दिया और आपस में कॉरेलिंग करने लगे अननेसेसरली अनइम्पॉर्टेंट चीजों पे जो मेन मिशन अल्लाह ने जिसके लिए हमें भेजा था जिसके लिए हमें इंटरेस्ट किया था उसको भुला बैठे दे लॉस्ट साइट ऑफ इट दे इवन लॉस्ट इंटरेस्ट इन द फंडामेंटल्स ऑफ बिलीफ और राइचियस कॉन्डक्ट जो कि हमारी बचाव के लिए अभी हमने पढ़ा था जरूरी है वो भी उन्होंने भुला दिया और ये जो अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें कह रहे हैं इस उम्मत को कह रहे हैं नबी वसल्लम की उम्मत को कि वो जो अर्लियर नेशंस थे उनकी तरह मत बन जाओ अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं और कह रहे हैं उनके लिए ह्यूज पनिशमेंट है लेकिन नबी वसल्लम की क्या हदीस है

और दूसरी जगह पे है इमाम अल बर बर बहारी उन्होंने उन्होंने कहा है कि जान लीजिए नो दैट अल्लाहर सेक्ट हम ये ज्यादा कोट करते हैं कि में डिवाइड हो जाएंगे ऑल ऑफ फायर ऑल ऑफ बी इन बी इन फायर एक्सेप्ट फॉर वन एक्सेप्ट फॉर वन एंड इज द जमा जो मेन स्ट्रीम ऑफ मुस्लिम है तो उस पे उनसे आप पूछा गया एंड हु वो जमा अकौन है ओ अल्लाह के मैसेंजर वो जमा अकौन है नबी सला फरमाए जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं मी एंड माई कंपेनियंस जिस पे हम है उसका मतलब अगर हम उस रास्ते को फॉलो करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है और जो उनके साहब का रास्ता है और ख़ास कर जो जो चार सहाबा हैं हज़रत हजरत, हजरत अबूबा कर उमर अली उस्मान जब इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या चीज़ है ये जमा इसीलिए इसको कहते हैं अहले सुन्ना वाल जमा आगे मैं आपको बताती हूँ इसकी तरह डिटेल बताती हूँ ये एक आयत और हो जाए उसके बाद इनशाला आपको बताती हूँ اس کے بعد جو ہے کیونکہ وہ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض وجوه तब यदु आपको याद है जब हमने फॉर्म्स किया था तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म नाइन जो है नॉर्मली वो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं क्लास में भी नहीं पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर लेते हैं ये तो कहते हैं कुरान में बहुत कम आया है और इसका कोई इतना ज्यादा वो नहीं है लेकिन देखिए यहाँ पर है ये फॉर्म नाइन है तब यदु इसका क्या है इब यद यब यदु इब 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 यद यब यदु इब ई दुन इब

अश्वद क्या होता है ब्लैक अबियद होता है व्हाइट अश्वद होता है ब्लैक तो असल में तो अबियत और अश्वद है लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसिस क्या है उसका जो जो कहने का मकसद क्या है अभी बताती हूँ अब तस्वद वो जो एंड विल बिकम ब्लैक या डार्क सम फेसेस और कुछ चेहरे चाहे वो सियाह हो जाएंगे इस वद्दा या स्वद्दू

वो लोग जिनके चेहरे रोशन हो जाएंगे तो वो अल्लाह की रहमत फफी रहमत अल्लाह की रहमत में होंगे खालिदून दे इन इट विल रिमेन फॉर एवर वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं

वन जीरो सिक्स में आपने देखा ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो क्यामत के दिन जो है उन, उनके चेहरे सियाह होंगे या डार्क होंगे और कुछ लोग जो है उनके चेहरे जो है वो आ, आ, ब्राइट होंगे तो उनसे कहा जाएगा जिनके डार्क है उनसे कहा जाएगा कि क्या आपने ईमान के बाद कुफर किया तो आप अजाब का मजा चखें और जिनके चेहरे रोशन होंगे सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे First of all, let me make it clear. एक तो मैं ये ये बताना चाह रही थी कि तब यद्दू या दोनों जब हो रहा है, हैं. मैंने आपको बताया था form 9 है ये. इट हैज नथिंग टू डू कलर ऑफ द स्किन ये आप लिख लें अपने पास क्योंकि बाज लोग इसको निकाल के कहते हैं जो इस्लाम के दुश्मन कहेंगे ओ अल्लाह तला नउज नउूज इतना रेसिस्ट है किसी को काला किसी को गोरा बोल रहे नहीं ये काले गोरे की बात नहीं है आपको याद है हमने ये सब पढ़ा था तस वद्दु और, और तब यद्दु का क्या मतलब है फिर से रिपीट करती हूँ तब यद्दु इस वक्त उस वक्त मैंने इतनी डिटेल नहीं बताई थी सिर्फ हमने गर्दाने की थी तब यद्दु इज एसोसिएट विद द ब्राइटनेस ऑफ द डे इट इज एसोसिएटेड विद ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म होप यानी कि आप अच्छे Uh, अच्छे ख्याल हैं आपके अच्छे आपके एक्सपेक्टेशन हैं तो आपका चेहरा ब्राइट है ये दिन ब्राइट है जो भी चीज है तब यद यानी वो ब्राइट हो गया ब्राइटन ब्राइटन समझ ले, हो वह और जो तस्वु है उसका मतलब है डार्कनेस ऑफ द नाइट यानी वरीइंग टाइम्स रात को नहीं हम थोड़ा परेशान होते हैं अंधेरा हम दे उसकी वजह से तो कुरान एक्चुअली जब पीपल ऑफ पैराडाइज की बात कर रहा होता है तो उसमें अल्लाह ताला जो है तब यदु का मतलब है कि चेहरे रोशन होंगे उनके फेसेस ब्राइट होंगे वो अपटिमिस्टिक होंगे उनके चेहरों पे क्या होता है वो नूर नजर आ रहा होगा बीमिंग विद जॉय खुशी के भी आसार होंगे उनके ऊपर क्योंकि वो अल्लाह ताला उस ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जो उन्होंने सुना था लेकिन देखा नहीं था उन्होंने पढ़ा था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया था उन लोगों के चेहरे हैं जो के दोजख में जाने वाले हैं, जिनके डार्क होंगे रंग चाहे गोरा हो ड मैटर उनके चेहरे डार्क होंगे उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही होंगी ग्लूमी होगा फियर होगा एंगजाइटी होगा और वो उस पनिशमेंट के लिए डर रहे होंगे या अंदर घुस गए होंगे दोजख में जिनको पनिशमेंट मिल रही बिकॉज ऑफ दैट डिस्बिलीफ तो अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं किन लोगों को कि जिन्होंने ईमान एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद उन्होंने ईमान को छोड़ दिया या कुछ चीज़ों को उन्होंने चेंज कर दिया ईमान की चीजों को या तफरके में पड़ गए या इख्तलाफ में पड़ गए उन लोगों के लिए खास खासकर स्पेशली उससे कनेक्टेड है जो हमने पढ़ा था हु डिसबिलीव हु रिजेक्टेड हु हुईट आफ्टर ईमान तो ये वो मैटर्स हैं जिसके लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये मतलब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इससे पहले जो हमने आयत पढ़ी थी जिसमें लिखा था ये उसी से कनेक्टेड है कि जिसका एक प्योर ईमान है वो ठीक है लेकिन जिसने उस ईमान को चेंज कर दिया और सेक्ट्स में तफ, तफर का डाल दिया इख्तलाफ कर दिया और डिफरेंट सेक्ट्स में बट गए फिरकों में बट गए उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक वार्निंग है हर सेक्ट जो है हर सेक्ट जो सेवेंटी थ्री सेक्ट जो है वो अपने आप को डिफेंड करना शुरू करता है अपने फैक्शन को डिफेंड करता है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना शुरू करता है और जो असल मकसद जो है अच्छा याद रखें ये मैं उसके मुतलिक नहीं कह रही हूं कि ये जो हमारे स्कूल्स ऑफ थाट है ये वो नहीं है द हमबली स्कूल द द स्कूल मालिकी स्कूल मालिकी स्कूल इनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ मालिकी स्कूल इनकी बात नहीं कर रही हूँ वो उसमें नहीं आते है। ये इनके दरमियान फेख के कुछ इशूज है जिसमें थोड़ी माइनर डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहलाती है ये सब के सब जितने भी हैं ये सब अहल सुन्ना वल वालजमा है दे बिलोंग टू वन सेक्ट ये सेक्ट्स नहीं है सेक्ट्स ये नहीं है सेक्ट्स जिन्होंने और ज्यादा गड़बड़ की तैमिया रही कहते हैं कि सेव्ड ग्रुप जो है जिसको अहल सुन्ना वल जमा कहते हैं वो ग्रेटर मेजॉरिटी में है वास्ट वरायटी में वरायटी भी बहुत है हर किस्म की पूरी दुनिया में भी है और ग्रेटर मेजॉरिटी में चाहे वो हनफी हो चाहे शाफी हो चाहे वो वह हो चाहे वो मालिकी हो चाहे वो ज़ाहरी हो सब के सब वो जो है और वो सब के सब एक ही होते हैं सुन्ना वल जमा होते हैं दे फॉलो द कुरान दे फॉलो द सुन्ना एंड दे फॉलो द स्कॉलरली कंसेंसिस जिसको कहते हैं इजमा तो इजमा को भी वो फॉलो करते हैं और इसीलिए उनको अहले सुन्ना वल जमा कहते हैं हम शॉर्ट में उनको सुननी कहते हैं लेकिन सुननी हर कोई अपने आप को कहता है तो अहल सुन्ना वल जमा वो भी है जो कि ये बिलीव करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए तो उससे पहले उन्होंने लीडरशिप किसी को मुक्र नहीं किया हिंट्स दी थी मुकर नहीं किया था पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ओपन छोड़ दी थी ताकि मुस्लिम्स डिसाइड करें इसीलिए जैसे ही आए अबू बकर आए रदील रदील तन अबू बकर उमर उस्मान और अली वो मानते हैं कि लजिटमेट रूलर्स थे जो इससे डिफर करते हैं सिर्फ इस बात से नहीं लेकिन जो भी अहल सुन्ना से डिफर

जो मेन स्ट्रीम इस्लाम है उससे बढ़ जाए बल्कि उसे बहुत कम है बहुत कम है और उन लोगों के अकॉर्डिंग टू हेमन तहमिया वो दे आर फॉलोअर्स ऑफ वियर्ड आइडियाज, डिविजन इनोवेशन विदात और विम्स एंड डिस ये अपनी मर्जी से उन्होंने बहुत चीजें बना दी हैं और वो क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के साइंसेस से बनाए जाते हैं अकीदे को भी मैसअप कर देते हैं मैंने आपको बताया ना अकीदा टोटली मैसअप हो जाता है अल्लाह के नेम्स में अल्लाह के एट्रीब्यूट्स में अल्लाह की अर्श, अर, अर्श, 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 अर्श 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 अपने अर्श जो है उसके ऊपर अल्लाह ताला इस्तवा है इस्तवा अल अर्श वो भी जो है उस पर भी अलग अलग चीजें हैं अल्लाह की अर्श के लिए अल्लाह के हाथ के लिए अल्लाह की चीज़ों उन्होंने अलग अलग चीज़ें नेम्स और एट्रीब्यूट सब उन्होंने बिगाड़ के रख दी हुई हैं और वो किस कैसे ग्रीक लॉजिक को बीच में लाते हैं आर्ग्यूमेंटेशन को लाते हैं फिलोसॉफिकल रीजनिंग को लाते हैं बहुत सारी चीज़ें और आपको पता है ना कि 73 ग्रुप्स कहीं कही ना कहीं होंगे सेक्ट्स हो चुके होंगे हमें जो किसी ने मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 42 तो अभी तक मालूम हो गए कि है लेकिन मैं चंद एग्जाम्पल देती हूँ जैसे शिया है राफिदीज खवारिज हैं सबसे पहले कौन थे खवारिज राफिदीज राजिया कुरानी ये क्या करते हैं हदीस को सुन्ना को रिजेक्ट कर देते हैं बोराज बरेलवीज कदरियाज मुत जबरियस अहलुल कलाम जहमिया ये मैंने ग्यारह लिखे हुए मैं नाम किसी को चाहिए तो पूछ लें मैं भेज दूंगा लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको फोर्टी मिल जाएंगे नबी वसल्लम खुद अपने उम्मा के लिए डरते थे ही फ़ियर्ड फॉर उम्मा उन्होंने कहा यह है अल इरबाद उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु वसल्लम एक सा एक दिन हमारे साथ उन्होंने नमाज पढ़ी उसके बाद वो हमारी तरफ मुंह करके उन्होंने एक बहुत खूबसूरत खुतबा दिया और जिससे हम सब के आंखों में आंसू आ गए और हम सब के दिल जो है वो दहल गए हम सब परेशान हो गए हम सब बहुत सैड हो गए तो उनसे कहा गया कि ओ नबी सलास में ऐसा लगता है कि ये आपका फेयरवेल एड्रेस है तो क्या आप हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो नबी सलास ने कहा मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ टू तो फियर अल्लाह बहुत प्यारी एडवाइस है सुनन अबी दाऊद में है आई एडवाइस यू टू फियर अल्लाह अल्लाह का करो। और आप ये सुनते रहते हैं जुम्मे के उसमें कोई slave को भी इथियोपन slave को भी अगर आपके charge में कोई डाल दे slave है लेकिन आपको leader बना दे तो आप उसको obey करो जो आपको लीडर नबीला बना के देगा या जो मुसलमान उम्म का लीडर होगा कंट्री का लीडर नहीं है जो मुस्लिम मुस्लिम उम्मा का लीडर होगा हु मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। जो मेरे बाद रहेंगे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे फितन आएंगे आप एडियर करें टू दू माई सुन्ना एंड द गाइडेड सक्सेस जो खुलफाए राशिदीन है मेरे सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को आप फर्मली एडियर करके रखें होल्ड फर्मली टू इट एज इफ बाइटिंग विद योर मोलर टीथ जिस तरह के आप अपने टीथ से उसको बाइट करके किसी चीज को आप नहीं छोड़ना दबावा के रख रहे हैं इसी तरह और फिर है बीवेयर ऑफ न्यूली इन्वेंटेड मैटर्स इन लोग इतने सारे बेदात लेकर आएंगे उससे आप जरा बीवेयर रहे

का इरादा नहीं है कि वो किसी के साथ भी ना इंसाफी करे किसी के साथ भी करो वो नहीं चाहता है कि इसीलिए रास्ता बताता है लेकिन अगर लोग रास्ता छोड़ देंगे अगर रास्ते से हट जाएंगे राइचियसनेस से हट जाएंगे ट्रू बिलीफ से हट जाएंगे तो वो क्या करेंगे इनजस्टिस करेंगे किसके साथ अपने साथ करेंगे तो वो अपने ऊपर ही जुल्म करेंगे अब ओ 1157 फिफ्टी सेवन चले यहाँ पर रोक लेते हैं इंशाल्लाह कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए एक बात और कहनी थी इस को एक सेकंड एक बात बता दू इस थर्सडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि वो थैंक्स गिविंग वीकेंड है और लोग इधर उधर गए हुए हैं और बच्चों की छुट्टियां भी हैं तो ये हम थर्सडे को क्लास नहीं रखेंगे इनशाला चलिए बोलिए मेरा क्वेश्चन है, अम, है इसका मीनिंग क्या है अमर का तो मतलब है हुक्म टू कमांड टू ऑर्डर हुक्म देना एक दूसरे को हुक्म देना अच्छाई का और भल, भलाई का और एक दूसरे को रोकना बुराई से और कोई सवाल प्लीज जी मेरा सवाल है वन ओ थ्री आयत में आपने जो आ, बास की रिवायत थी वो मुझे चाहिए घड़े के किनारे पे जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती एक थी तो उसमें जो हजरत इब्बास की रिवायत है वो मैं मिस कर गई। मैं भेज दूं आपको हाँ इसी इस 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 पे डाल दूंगी ठीक है थैंक यू मुझे अभी वो पीछे है किसी का ना बिल्कुल ठीक है थैंक यू सो मच मैं भी भेज दूंगी और कोई सवाल मेरा एक सवाल है जी आपने बताया आ, कौन सी वन ओ थ्री में शायद आपने बताया था कि ओएस एंड खिजरज भी भाई भाई हो गए थे ओस एंड खिजरज ओस एंड खिजरज भी भाई भाई हो गए थे आए, भाई भाई लेकिन भाई चारा में आ गए थे अच्छा भाई चारा में आ गए थे लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि तो इनमें से एक जो है वो यहूदियों की तरफ चले गए थे और एक जो है वो बनु नजीर बनु कैन का वो अलग अच्छा 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 बस मैं यही क्लियर करना चाह रही थी बहुत शुक्रिया ट्राइब्स थे अच्छा अच्छा कुछ लोग चले गए थे जो यहूदियों के बातों में आए थे लेकिन ये दोनों जो है ये अंसार बन गए थे अच्छा भी बाद में भी, वैसे में भी जो कुछ -कुछ लोगों ने की थी वो बाद में अच्छा ये दोनों जो ये ही अंसार थे थे ना बहुत सारे थे, थे। लेकिन ये दोनों कबीले भी थे जो की अरब ट्राइब्स में आपस में जंग करते थे एक दूसरे से अच्छा होती थी देवल लाइक बिल्कुल जैसे कहते हैं सालों साल के दुश्मन दुश्मन थे बस उस तरह थे आपस में बहुत ज्यादा खून भाई होता था तो इसलिए उनका जो। ये लोग भी मतलब हम बताना ये चाह रहे कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उन लोगों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप लोग किस कहाँ पर थे आप और कहाँ पर पहुंच गए अल्लाह ताला के इतने फेवर्स हुए इतने ब्लेसिंग्स हुए कि आप दो के घड़े के ऊपर खड़े हुए थे किस तद कदर आपके अंदर बुराइयां थी आप दुश्मन थे एक दूसरे के खून के प्यासे थे और क्या हो गया कि आप बन के आप लोग इतने करीब आ गए क्यों आए सिर्फ़ अल्लाह के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से अल्लाह को मजबूती से पकड़ने पर मतलब ये अल्लाह ताला बता रहे कि मेरा फेवर है आप लोग भी एक दूसरे से फिरों में ना बटो उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिस तरह वो लोग थे समझ तो में आई बात जी जजाक और कोई सवाल इबन अब्बास का आपने पूछा था बुशरा आपने क्या पूछा था कि उन्होंने आ, जी जो वो इब्न अब्बास ने कहा एडहेयर टू द रिलीजन ऑफ अल्लाह इबन अब्बास एडहेयर टू द रिलीजन अल्लाह की दीन को मजबूती से पकड़ो इबन मसूद ने कहा था जमाअ को मेन बॉडी ऑफ मुस्लिम्स को पकड़ो बिल्कुल वो तो मेरे पास है दीन है कुरान है कोवेनेंट है सब मिला के बात तो वही है सब कि अपने दीन को और अपने अल्लाह को मजबूती से पकड़े रहो आपको बताया था ना जैसे कि एंकर होता है पिछली क्लास में शायद मैंने बताया था एक तरसी का जब आया था तो उसमें ये कि इससे पहले भी आया था बकरा में भी कि वो इस तरह के जैसे आप एंकर की तरह होल्ड कर लेते हैं ना किसी चीज को ताकि आप उससे दूर ना हटें जब कश्ती आती है तो उसको एंकर से लगा देते हैं ताकि वो कश्ती बह नहीं जाए ना वापस उधर ही रुक जाए तो बस हम अल्लाह के दीन से अगर जुड़ जाते हैं हम अल्लाह से अपने आप को जोड़ लेते हैं अल्लाह की रस्सी से भी अपने मुसलमान लोगों से भी एक भाईचारा हो जाता है तो आप सोचें कि जिस तरह हम अपने लिए बेहतर चाहते हैं भाई बहनों के लिए बेहतर चाहते हैं उसमें हर एक के लिए बेहतर चाहेंगे ना खुद ब खुद हम एंजॉइंग द गुड करेंगे और फॉर बिट द इवल करेंगे खुद ब खुद आ जाएगा हमारे अंदर हमारे कैरेक्टर ही बिल्ड हो जाएगा इसी से अभी और भी आ रहा है आई थिंक इसी पे आई थिंक इसके बाद की आयत है उसकी बात की आयत है दोबारा आएगा यही सब ये बहुत ज्यादा कुरान में आता रहता है इसीलिए तो हम बेस्ट आने वाले मेरे ख्याल है वही कि इसीलिए हम बेस्ट नेशन अल्लाह ताला ने हमसे कहा और कोई सवाल नहीं है तो हम एंड कर लें थर्सडे को क्लास नहीं अच्छा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा व सलामुन अलाल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जजाकल्लाह खैर